नमस्कार, मैं अग्रमय रदौन, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर स्वर्णिम इतिहास रचा। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह चौहान सहित क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को सदन में बजट पेश करने के तुरंत बाद गैरसैंण भराड़ीसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में विकास कार्यों के आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने